राधे राधे मित्रों, आज हम हैं भगवान श्री कृष्ण के बचपन के गांव गोकुल में और ये रास्ता सीधा गया है मंदिर की तरफ, नंद बाबा के महल की तरफ। और हम आपको लेके चलते हैं मित्रों, जिसे 84 खंबा मंदिर के नाम से जाना जाता है। और हम देखिए आ चुके हैं नंद महल में, जिसे 84 खंबा जिसमें लगे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसे स्वयं विश्वकर्मा के द्वारा बनवाया था और 84 खंबा इसमें जो लगे हुए हैं वो उसके हम दर्शन कराएंगे और आपको अंदर लेके चलेंगे। और ये जो है यहाँ कैसे आते हैं तो मैं बता दूँ, ये गोकुल में स्थित है और जो नई गोकुल है बैराज के पास, वहाँ से लगभग 1.5 किलो या 2 किलोमीटर की दूरी पर ये 84 खंबा मंदिर स्थित है। और बीच में पड़ेगा रमण रेती आश्रम और रमण रेती आश्रम से 0.5 किलोमीटर दूर है 84 खंबा मंदिर, और 84 खंबा मंदिर से 0.5 किलोमीटर दूर है ब्रह्मांड घाट, जिस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, रमण रेती आश्रम की भी पहले वीडियो बना चुके हैं। तो मित्रों हम अंदर आ चुके हैं और आपको दर्शन कराएंगे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के, और मंदिर में घुमाएंगे 84 खंबा मंदिर में अंदर। तो मित्रों ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पर दर्शन करने आते हैं तो आपको 4 धाम यात्रा का फल मिलेगा। और 84 खंबा से मतलब है कि मनुष्य का जीवन 84 वर्णों से होकर गुजरता है, उसके बाद मनुष्य का जन्म मिलता है। इसीलिए इस भवन में भगवान श्री कृष्ण ने 84 खंभों को लगाया था। तो मित्रों ऐसा भी कहा जाता है कि इनको कोई गुन नहीं सकता, जैसा कि आप देख रहे हैं ये खंभे जिन पर छोटे छोटे जो है चित्र बने भी हुए हैं, जिन पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाएँ बनी हुई हैं, ये बहुत ही प्राचीन हो चुका है। ऐसा भी कहा जाता है कि 1000 ईस्वी के आसपास इस पर महमूद गजनवी ने इस पर हमला किया था और इसे क्षतिग्रस्त कर दिया था। इस मंदिर को मुगल शासक गजनवी ने इस पर जो है हमला करके इसको क्षतिग्रस्त कर दिया, उसके बाद ये अपने मूल रूप में नहीं आ पाया आज तक यह मंदिर। तो सामने देख रहे होंगे ये है मुख्य मंदिर जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का। हो सकता है कि मैं वहाँ तक नहीं दिखा पा रहा हूँगा कैमरे में, तो आप यहाँ पे अवश्य आएँ। अगर आप गोकुल घूमने आते हैं तो 84 खंबा जरूर आएँ। ये मथुरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और वहाँ से 30 रुपये ऑटो वाले लेते हैं गोकुल आने के, तो आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। हमने आपको दिखाया, मंदिर से हम थोड़े बाहर आ चुके हैं और देखिए आपको थोड़ा ऊपर से भी मंदिर की छत से भी नज़ारा दिखाएंगे, थोड़ा घुमा के आपको हम अभी ऊपर लेके चलेंगे। ये मंदिर है यहाँ पे भोलेनाथ जी का, और देखिए ये पहले भगवान नंद बाबा बाबा का ये महल हुआ करता था। ये ऊपर से नज़ारा है, ये छत है इस मंदिर की, ये बाद में बना दी गई है। और यहाँ पे देखिए सारी नेम प्लेट लगी हुई है, किस किस ने यहाँ पे दान किया है, किस किन लोगों का यहाँ पे योगदान रहा है। तो मित्रों अब हम मंदिर से थोड़ा बाहर आ गए हैं। ये मंदिर परिसर बहुत बड़े परिसर में फैला हुआ है, ये प्राचीन मंदिर है, इसीलिए इतना आपको लग रहा होगा कि वृंदावन जितना खूबसूरत मंदिर नहीं है। लेकिन मित्रों मैं बता दूं, इसकी मान्यता बहुत है। अगर आप मित्रों धार्मिक वीडियो में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।